हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अभी आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। कल ही छत्तीसगढ़ के एक रचनाकार लक्ष्मण मस्तूरिया जी का निधन हो गया, उनकी कुछ प्रमुख कृतियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ खेल घटनाक्रम को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2018 अभी भारत में कुल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव किए जाने की घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग ने की है। वो पांच राज्य कौन कौन से हैं? पांच राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन पांच राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए, इन पांच राज्यों के नाम और उनमें कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं, आप दोनों आंकड़े याद रखिएगा। क्या होता है कि जब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं और छत्तीसगढ़ के साथ साथ जिन अन्य राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो इनसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछेगा? ऐसे पांच राज्यों के नाम दे देगा और उससे संबंधित विधानसभा सीट दे देगा और इसे मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ी मिलान में दे देगा, या राज्यों के नाम और उसकी विधानसभा सीट दे देगा और एकाधिक का जो विधानसभा सीट है उसे गलत दे देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। तो इस तरीके के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपका 230 सीट है, राजस्थान में 200 सीट है, तेलंगाना में 119 सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है और मिजोरम में 40 सीट है। मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90, जबकि मिजोरम में है आपका 40 सीट। देखिए, ये जो पाँच राज्य है, इन पाँच राज्यों के नाम को याद रखने का आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, इन पांचों राज्यों का नाम कैसे याद रखना है? ये जो पांच में से जो चार राज्य है, चार राज्य आपस में डायगोनल तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है आपका राजस्थान और छत्तीसगढ़ से नीचे जुड़ा हुआ है आपका तेलंगाना। देखिए, ये सभी के सभी एक डायगोनल में है। ये है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की साथ सीमा बनाता है आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नीचे क्या है आपका तेलंगाना। एक पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है आपका मिजोरम। तो देखिए, पूरे राज्य आपको याद हो जाएंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सीमा बनाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सीमा बनाता है राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नीचे है तेलंगाना और साइड में है आपका मिजोरम। तो ये पांचों राज्य को याद रखिएगा और पांचों राज्य के साथ साथ इनकी विधानसभा सीटों को भी याद रखिएगा। देखिए, इन पांचों राज्यों में अलग अलग डेट में चुनाव होने वाले हैं। किस किस डेट में कौन कौन से राज्य में चुनाव होगा मैं उसको अभी आगे बताऊँगा, लेकिन 7 दिसंबर 2018 को अंतिम तौर पर इन पांचों राज्यों के जो चुनाव है वो संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इन पांच राज्यों में, उनके वोटों की गणना यानी मतगणना की जाएगी 11 दिसंबर 2018 को। 11 दिसंबर 2018 को इन पांचों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती की जाएगी 11 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट देखिए, ये जो पांच राज्य है, पांच में से जो चार राज्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ये जो चार राज्य है, तो इस चार राज्य की विधानसभा ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। पांच राज्यों की विधानसभा ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है, जबकि ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य की विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा सितंबर 2018 में भंग कर दिया गया था। यानी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही तेलंगाना राज्य की विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा सितंबर 2018 में भंग कर दिया गया था। देखिए, इसे याद रखिएगा। क्या होता है कि अक्सर पीएससी और व्यापम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है करके 3-4 स्टेटमेंट दे देता है, तो स्टेटमेंट पर ये चीज़ पूछा जा सकता है, तेलंगाना राज्य की विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा सितंबर 2018 में भंग कर दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट, उम्मीदवार खर्च सीमा। एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार प्रसार में, रैलियों में, घोषणा पत्र में अधिकतम खर्च सीमा 28 लाख रुपए, अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। मिजोरम में के लिए यह 20 लाख रुपए है। पिछले विधानसभा चुनाव में यह उम्मीदवार खर्च सीमा थी आपकी 16 लाख रुपए, लेकिन इस साल इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 28 लाख रुपए। तो विधानसभा चुनाव 2018 में एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, घोषणा के लिए, रैलियों के लिए ये अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। यदि इससे अधिक का खर्च पाया गया तो उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक। मिजोरम के लिए कितना है? 20 लाख रुपए। तो ये राज्यों के नाम इसी ट्रिक से याद रखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे।
जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें छत्तीसगढ़ एक लौता राज्य है जिसमें 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी सीट है? 90 सीट है। 90 सीट में से प्रथम चरण में 18 सीट के लिए 12 नवंबर 2018 को प्रथम चरण के चुनाव होंगे, जबकि 72 सीट के लिए 20 नवंबर 2018 को द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने के कारण क्या है? ये छत्तीसगढ़ की जो 18 सीट है, इन 18 सीट में से जो 12 सीट है, 12 सीट अत्यंत संवेदनशील सीट या अत्यंत संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संवेदनशील इन द सेंस ये नक्सलाइड एरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी आप जैसे आपको पता ही होगा कि जो नक्सलाइड है वो मतदाताओं को या ग्रामीणों को या वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को डराते धमकाते हैं कि वे चुनाव में शामिल ना हो, चुनाव का बाइकॉट कर दे या बहिष्कार कर दे। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो और जो चुनाव है वो सुरक्षात्मक तौर से संपन्न हो, इसीलिए ये जो 18 सीट है, 18 सीटों पर प्रथम चरण में 12 नवंबर को आपके मतदान होंगे, जबकि 72 सीट के लिए 20 नवंबर को द्वितीय चरण पे मतदान होंगे। इन 5 राज्यों में अकेला एक लौता छत्तीसगढ़ है जिसमें 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट, इन 5 राज्यों में सबसे पहला चुनाव भी हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। आपको डेट भी याद करा देता हूँ इन 5 राज्यों का। देखिए, जो डेट है उस डेट के मध्य लगभग 8 से 9 दिन का गैप है। जैसे पहला चुनाव होगा 12 नवंबर 2018 को, 12 नवंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में 18 सीटों के लिए चुनाव होंगे। उसके जस्ट 8 दिन बाद 12 + 8 = 20, 20 नवंबर को 72 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। ठीक है, एक 12 नवंबर, 12 + 8 = 20 नवंबर, 20 + 8 = 28 नवंबर, 28 नवंबर को 2 राज्यों में चुनाव होंगे। 2 राज्यों कैसे? डबल एम से याद रखिएगा, एक एम ये डबल एम, मध्य प्रदेश और मिजोरम। 20 + 8, 28 नवंबर को डबल एम राज्यों में यानी मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव होंगे। उसके बाद 28 + 8 कीजिए या 9 कीजिए, 8 या 9 का कुछ डिफरेंस है, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को आपका राजस्थान और तेलंगाना में अंतिम रूप से चुनाव होंगे। 7 दिसंबर को पूरी तरह से चुनाव समाप्त होने के बाद उनके वोटों की गिनती की जाएगी 11 दिसंबर 2018 को। तो देखिए, आपको डेट भी याद हो जाएगा, 8 से 9 दिन का गैप है, डेट को याद रखिएगा, 12 + 8 = 20, 20 + 8 = 28, 28 + 8 = 7 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट, आरक्षित सीटें छत्तीसगढ़ में एससी कैटेगरी के लिए 10 सीटें आरक्षित है। एससी मींस शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। नेक्स्ट, एसटी मींस शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें आरक्षित है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है, या आपसे प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है। यदि आपसे पूछा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है, तो 10 + 29 यानी 39, टोटल 39 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। यदि अलग अलग पूछा गया तो एससी के लिए 10, एसटी के लिए 29, यदि संयुक्त रूप से पूछा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 10 + 29 = 39, 39 सीटें आरक्षित है। अब ये 90 में से 39 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 51, तो जनरल कैटेगरी के लिए 51 सीटें बचती है। देखिए, जो विधानसभा चुनाव है या विधानसभा में जो सीटें आरक्षित है वे केवल एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ही सीटें आरक्षित है, ओबीसी कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार की सीटें आरक्षित ही नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे जनरल कैटेगरी से चुनाव लड़ना होगा। ठीक है, तो दो आंकड़ों को याद रखिएगा, एससी कैटेगरी के लिए 10 सीटें आरक्षित है, एसटी कैटेगरी के लिए 29 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट, हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 5 पिंक वोटिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए 5 पिंक वोटिंग बूथ बनाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका थीम। अभी इस साल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने
पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए एक थीम डिसाइड किया है। थीम क्या है? निर्वाचन 2018 सुगम सुघर समावेशी। निर्वाचन 2018 सुगम सुघर समावेशी, अभी कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन जारी करके छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी राजनीतिक दल मौजूद है उन राजनीतिक दलों को यह निर्देशित किया है कि वे अपनी प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी सामग्री हो या घोषणा पत्र हो उसके हेडर या फुटर में इस थीम को अवश्य मेंशन करें। तो इस थीम को याद रखिएगा, निर्वाचन 2018 सुगम सुघर समावेशी। ठीक, तो विधानसभा से संबंधित ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है निधन। लक्ष्मण मस्तूरिया जी, छत्तीसगढ़ के जनकवि कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के साहित्यकार लक्ष्मण मस्तूरिया जी, जिनका कल ही निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 7 जून 1949, मीन्स 7 जून 1949 को मस्तूरी बिलासपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, देखिए जिसे भी मैंने रेड कलर से लिखा है उससे थोड़ा पहले याद कीजिएगा। ये इनकी कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन यदि प्रश्न पूछा गया तो संभावना है कि इनसे पहले प्रश्न बनेंगे। देखिए पहला है इनका मोर संग चलाओ रे, ये गीत आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत फेमस गीत है। ये एक्चुअली में लक्ष्मण मस्तूरिया जी की कविता संग्रह है। क्या नाम से? मोर संग चलाओ रे, जिन्हें उन्होंने खुद के स्वर में ही एक गीत के रूप में प्रस्तुत भी किया है। मोर संग चलाओ रे कविता संग्रह है, किनकी? लक्ष्मण मस्तूरिया जी की। नेक्स्ट सोना खान के आगी, सोना खान के आगी यह भी एक कविता संग्रह है। वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह जो कि सोना खान के जमींदार थे, तो वीर नारायण सिंह की जीवन गाथा पर आधारित कविता संग्रह किस नाम से है? सोना खान के आगी। किनकी है? लक्ष्मण मस्तूरिया जी की। नेक्स्ट माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से जो कि लक्ष्मण मस्तूरिया जी की 61 छत्तीसगढ़ी निबंध का संकलन है। 61 छत्तीसगढ़ी निबंध का संकलन किस नाम से है? माटी कहे पुकार से। किनकी है? लक्ष्मण मस्तूरिया जी की। इसके अलावा इनकी अधिकांश रचनाएं छत्तीसगढ़ी में हैं, इन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखी है। इनकी हिंदी कविताओं का संकलन है सिर्फ सत्य के लिए, सिर्फ सत्य के लिए इनकी हिंदी कविताओं का संकलन है। ठीक, तो इन कविताओं को थोड़ा अलग से याद रखिएगा। इसके अलावा हमू बेटा भुइयां के गवई गंगा धुनही बंसुरिया, हमू बेटा भुइयां के गवई गंगा और धुनही बंसुरिया ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इनकी सारी रचनाओं को याद रखिएगा, कौन कौन सा है? मोर संग चलाओ रे, माटी कहे कुम्हार से, सोना खान के आगी, हमू बेटा भुइयां के, गवई गंगा, धुनही बंसुरिया और सिर्फ सत्य के लिए। इसके अलावा सांस्कृतिक संस्था चंदनी गोंदा, जिसके संस्थापक ये जो चंदनी गोंदा है, इस चंदनी गोंदा के संस्थापक कौन थे? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। दाऊ रामचंद्र देशमुख जी की सांस्कृतिक संस्था या लोकमंच चंदनी गोंदा के यह प्रमुख गायक भी थे, इसे भी याद रखिएगा। चंदनी गोंदा जिसे जिस लोकमंच को किसने स्थापित किया? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ने। दाऊ रामचंद्र देशमुख जी की सांस्कृतिक संस्था या लोकमंच चंदनी गोंदा के यह प्रमुख गायक भी थे। इसके अलावा इसी चंदनी गोंदा के अंतर्गत इन्होंने लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने अपना स्वयं का एक अलग से लोकमंच या सांस्कृतिक संस्था बनाया था, देवार डेरा। देवार समुदाय के लोग जो घूम घूम करके नृत्य दिखाते हैं, बंदरों का नाच दिखाते हैं सड़क के किनारे, जो नृत्य दिखा करके अपनी आजीविका के लिए नृत्य दिखा करके पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसे देवार समुदायों को इकट्ठा करके इन्होंने देवार डेरा के नाम से एक अलग से सांस्कृतिक संस्था या लोकमंच बनाया था। यह लोकमंच भी आपके चंदनी गोंदा के अंतर्गत ही इन्होंने बनाया था। तो याद रखिएगा, चंदनी गोंदा के संस्थापक कौन है? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, जबकि देवार डेरा के संस्थापक कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया जी। ठीक, तो ये सारे चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हसदेव एक्सप्रेस, हसदेव एक्सप्रेस जो कि जिसे हाल ही में रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दी है, इसका जो रूट है वो रूट है कोरबा से रायपुर। कोरबा से रायपुर के मध्य यह हसदेव एक्सप्रेस चलने वाला है। इस कोरबा से रायपुर के मध्य इसका दो प्रमुख स्टॉपेज है, पहला है कोरबा, कोरबा के बाद है आपका बिलासपुर, बिलासपुर के बाद है भाटापारा, भाटापारा के बाद है रायपुर। तो हसदेव एक्सप्रेस किन दो प्रमुख स्टेशनों के मध्य चलेगा? एक कोरबा, दूसरा रायपुर। नेक्स्ट खेल,
खेल में पहले याद रखिएगा हीरल चौहान। हीरल चौहान छत्तीसगढ़ वुमेन्स बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, महिला बैडमिंटन से संबंधित है हीरल चौहान। एक नाम है आपका आकर्षि कश्यप, आकर्षि कश्यप के साथ साथ इनका भी नाम याद रखिएगा हीरल चौहान, जो कि महिला बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका हरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह जो कि छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान है। छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान का क्या नाम है आपका हरप्रीत सिंह। पिछले साल छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान थे मोहम्मद कैफ, इस साल छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान बनाया गया है आपके हरप्रीत सिंह को। हरप्रीत सिंह जो कि पिछले साल तक मध्य प्रदेश राज्य के लिए रणजी टीम में खेलते थे, इस साल वे छत्तीसगढ़ में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए हैं। तो इनका नाम थोड़ा स्पेशली याद रखिएगा, हरप्रीत सिंह छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम से संबंधित है, छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट, जो छत्तीसगढ़ का जो रणजी ट्रॉफी में जो पहला मुकाबला होने वाला है, छत्तीसगढ़ का पहला मुकाबला सौराष्ट्र के साथ होने वाला है। रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का पहला मुकाबला सौराष्ट्र के साथ होने वाला है और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम में छत्तीसगढ़ के कप्तान कौन है, हरप्रीत सिंह। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो ये विधानसभा चुनाव से संबंधित जितने भी चीज़ें मैंने बताई उसे याद रखिएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया जी की रचनाओं को थोड़ा याद रखिएगा, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है तो संभावना है कि इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हमने अक्टूबर माह के करंट अफेयर पर चर्चा किया, यहीं समाप्त होता है। यदि आपको आंकड़ों से संबंधित या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।